आज जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज एसर्शन रीजन। जितना भी अभी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है उसी का यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा बनाएंगे। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता कैसे है ध्यान से देखिए। इधर ये क्या कह रहा है देखिएगा कि ईच ऑफ दीज क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट एसर्शन ए एंड रीजन आर। ठीक है, मतलब एसर्शन का मतलब एक तरह का स्टेटमेंट हो गया और उसी स्टेटमेंट का कुछ रीजन दिया हुआ। क्लियर है? ईच ऑफ दीज क्वेश्चन हैज ऑल्सो फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, एनी वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए बी सी डी गिवन बिलो। अब जैसे कह रहा है कि ए ट्रू हो सकता, ए इज ट्रू, तो आर भी क्या होगा ट्रू, और सही के साथ साथ ए इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, दूसरा ए इज ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर जो है इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए ट्रू है लेकिन आर क्या होगा फॉल्स हो सकता है, और ए फॉल्स है आर इज ट्रू होगा। मतलब इसी चार में आपको आंसर देना है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन देख लो बढ़िया से, आपको सिर्फ इसी चार पे फोकस करना है। क्लियर है? अब जैसे देखिए फर्स्ट क्या है assertion? ये देखिए ए क्या कह रहा है, द पॉइंट 3,0 इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये assertion है। इसका नीचे रीजन दिया हुआ है, द पॉइंट 3,0 इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक बार सोचो, सोचकर बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा? सुनो, देखिए सबने अपना आंसर गेस किया, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देख लो जी। पहले अगर मान लो यहां पर एक्स एक्सिस इस तरह से बना हुआ है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, और यहां पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो कह रहा है कि जो पॉइंट है ए इट्स अ 3,0 है, और पॉइंट 3,0 इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोला है वाई एक्सिस। तो 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स, क्या ये लाइन सही है बताओ? ये 3 यूनिट डिस्टेंस लिया जा रहा, 3 यूनिट डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं बताओ? फ्रॉम वाई एक्सिस, इस लाइन से मेजर कर रहे हैं ना, ये देखो ये लाइन आया कि नहीं, यहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेजर्ड क्या बोला जा रहा, फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, यहां से मेजर कर रहे हैं लेकिन अलोंग किसके कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ, एंड हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और ये वाला जो है ना एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0। ये तो सही है, सरसन क्या है सही है, रीजन देखो सही है, 3,0 इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या ऐसा सही है क्या, 3 यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस से थोड़े ना है। ठीक है, तो देख करके आप बता सकते हो कि assertion मेरा सही है लेकिन रीजन क्या है गलत है, गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बस समझ में आया, ए ट्रू है लेकिन आर हमारा फॉल्स होगा, समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए दूसरा देखो, इसमें क्या होगा देख करके आप लोग तुरंत गर्दा उड़ा दोगे, थोड़ा उड़ाओ गर्दा। अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा सुन लो बढ़िया से, ये भी बता देता हूं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बढ़िया से। ये क्वेश्चन क्या कहा है ना, अ पॉइंट पी एच कॉमा के लाइज ऑन व्हाट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप ऐसा देख लो, ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, और ये समझो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है एल है, और इसका इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है, और ये जो पॉइंट पी है ये हमने पी रखा एच कॉमा के, ये लाई कहां कर रहा है जी, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, और यही जो एच कॉमा है ना ओरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस पर है, फाइव यूनिट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखिए
उसके बाद एक लाइन कहा है कि इफ के इज नेगेटिव, अगर के नेगेटिव है तो एच इज इक्वल टू माइनस थ्री। देखते हैं चेक करके। सबसे पहले बताओ कि जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पुट कर दो, सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह h और y की जगह k और प्लस वन इक्वल टू, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया वन। रहने दो, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर यहां पे h की जगह वैल्यू निकाल दो तो वन माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर भेजेंगे, अच्छा सॉरी दोनों उधर जाएगा, माइनस वन माइनस के, दोनों उधर चला जाएगा, माइनस वन माइनस के हो जाएगा। अब बताओ यहां पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर ये रहा m, ठीक है m रहा, और ये बताओ कितना हो गया h, और इसको क्या रखेंगे k रख दिया, h एंड k। तो बताइए क्या ये जाना पहचाना कंसेप्ट लग रहा है, क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हो, क्या है ये? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो थोड़ा बता दो, यहां लिख लीजिए इन ट्रायंगल POM, POM की बात कर रहा हूं जी, तो 5 का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर रहने दो, और यहां h का स्क्वायर निकाल दो, h की जगह माइनस वन माइनस के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो 25 रहने दो, k स्क्वायर रहेगा, तो ये a ऐसे कर लो, नहीं तो अंदर में ही पहले नेगेटिव निकाल दो, तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत, माइनस कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट के अंदर, अब होगा 25 k स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 1 प्लस k का होल स्क्वायर, 25 इक्वल टू k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ना, 2k स्क्वायर हो गया प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा आपका, है ना, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मिलकर 2k स्क्वायर, और 2k तो पहले से था और 1 हो गया, इसको उठाकर उस साइड ले जा, कम ऑन किधर ले जाएंगे, उस साइड, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k, उस साइड ले जाइए, तो कितना हो गया माइनस 24 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकल जाएगा तो k स्क्वायर प्लस k माइनस 12 इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, थोड़ा बताओ सुमित तुम बताओ, हाँ बताओ कैसे फैक्टराइज करेंगे हम लोग, फोर और माइनस थ्री लिखना हो, ठीक है, मतलब k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, यहां से अगर कॉमन निकला k, तो k प्लस 4 माइनस 3 और k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो k प्लस 4 k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक बार k इक्वल टू क्या लेंगे माइनस 4, और एक बार k इक्वल टू 3, ओनली 3, माइनस 3 नहीं, क्या लेंगे 3। अब देखो यहां लाइन देखिएगा, यहां देखो लाइन क्या बोल रहा है, इफ k इज नेगेटिव, थोड़ा कस के बोलो सुनियो, क्या k नेगेटिव, अगर k नेगेटिव है, k नेगेटिव बोल रहा है, देखो नेगेटिव, तो इसमें से एक इग्नोर कर देंगे, बोलो तो कौन सा इग्नोर होगा, k नेगेटिव है तो ये वाला हमको हटाना पड़ेगा, नहीं समझे, इफ k इज नेगेटिव तो ये वाला हटा दो, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, h निकालना है, तो h कहां पे निकाल के निकाल सकते हैं बताओ, हाँ एक और शायद इधर भी था ना, इधर ये देखो छोटा सा इक्वेशन आया था, ये देखो, तो जरा बताओ, तो h उसके हिसाब से क्या होगा, माइनस वन माइनस फोर, तो h इक्वल टू कितना आएगा बोलो तो, थ्री के माइनस थ्री, थ्री आएगा, और जबकि यहाँ पे क्या बोला देखो तो, h इज इक्वल टू क्या बोला है माइनस थ्री, तो ये जो assertion ही गलत है, हेलो नहीं समझे, assertion ही गलत है, आपका समझ में आया कैसे गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर k नेगेटिव बोल दिया जबकि यहाँ k का दो वैल्यू आ रहा था, तो हम पॉजिटिव को क्या कर देंगे हटा देंगे, तो k हमारे पास क्या आ गया बताओ माइनस फोर आ गया, और उसके हिसाब से जब h पुट किया तो कितना आ गया थ्री आ गया, जबकि वहां पे कितना दे रहा था माइनस थ्री, तो हमारा assertion ही
गलत है, और रीजन थोड़ा चेक कर लो, तो रीजन तो बगुआ वाला है, तो समझ जाए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो सही है दिया ना जी, तो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन हमारा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो बताया था? हाँ इधर दिया था, हाँ देखो डी नंबर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू हो गया, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर विल बी द आंसर। चलो इसको लिख लो जल्दी से, ये हम भेज देंगे, इसका क्वेश्चन भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया कि नहीं सभी को? आशीष क्लियर हुआ? चलो लिखो, इसको लिखिए 2 मिनट लिखने के लिए।